अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। साबर भाई के पास आए हैं दोस्तों आज हम, और आपको मोती की पहली वाइफ का दोस्तों शोक करवाते हैं। दूसरी वाइफ शोजी है और पहली वाइफ मोती की ये वाली, जिसके बच्चे आपको दिखाए थे जब पैदा हुए थे दोस्तों। पांच बच्चे दिए सर, पांच में से दो बचे हुए हैं, बड़े प्यारे और बड़े ही खूबसूरत बच्चे हैं। जैसे हमारे मोती के और शोजी के बच्चे हैं ना, सेम वैसे ही बच्चे हैं। आपको शोक करवाते हैं, सबसे पहले पिक्सी का शोक करवाते हैं दोस्तों। ये भी जो है ना मोती का ही बच्चा है, लेकिन इसके वैसे बाल वगैरह नहीं आए जैसे आने चाहिए, लेकिन जो अब इसके बच्चे हैं ना वो बड़े खूबसूरत बन रहे हैं, जैसे हमारे शूजी के बच्चे हैं सेम वैसे ही हैं। ये देखें, शोक करें दोस्तों, देखें वाइट वाला भी सेम वैसा बच्चा है जैसा हमारे पास शूजी का बच्चा है, और ये वाला देखें ब्राउन से रंग का, ये भी शूजी के एक बच्चा जैसे है ना ब्राउन वैसा ही है। ये वाली फीमेल है और वो वाला जो है ना मेल है। बाल भी माशाल्लाह से इनके बड़े आ रहे हैं, इसके भी बाल आ रहे हैं और उसके भी बाल आ रहे हैं। वाइट वाला दोस्तों मुझे बड़ा ही प्यारा लगा है, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, बाल भी इनके आ रहे हैं और फेस भी देखें इसका कितना प्यारा है, और मस्तियाँ कर रहे हैं। पिक्स के साथ दोस्तों दोनों बच्चों को छोड़ दिया, दोनों देखें मस्तियाँ कर रहे हैं, दूध नहीं पी रहे क्योंकि पेट इनका भरा हुआ है। पहले इन्हें बांधा हुआ था मैंने, इन्हें खुला छोड़ दिया, और माँ भी देखी इनके साथ कैसे खेल रही है, मस्तियाँ कर रही है। मगरिब का टाइम दोस्तों शुरू हो रहा है, अजाने जो है ना मगरिब की शुरू हो गई, जाके हम जो है ना मैक्स और पीटी के लिए चावल उबालते हैं। सबसे पहले आप लोगों को शूजी के बच्चे का जो है ना शोक करवाते हैं, और ये देखिए जी सेम वही कलर जो है ना मुझे लग रहा है, शोक करें दोस्तों शूजी के बच्चों का। वाइट वाला दोस्तों जो मुझे लग रहा है कि ये सेम वैसा ही बनेगा जैसे वो वाला बच्चा बन रहा है ना वैसा ही, क्योंकि इसके भी माशाल्लाह बाल काफ़ी आ रहे हैं, उस वाइट बच्चे के भी काफ़ी बाल थे और इसके थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन इसके भी जो है ना बाल आ जाएंगे। कलर इसका वैसा ही है, वैसा चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका जर्मन वाला जो है ना कलर बनता जा रहा है, रेड की जगह जो है ना ये ब्लैक होता जा रहा, ऊपर जो है ना ब्राउन है। बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा है ये वाला। शूजी के देखें, शूजी कैसे चुकनी हुई है, दूध और चावल से डाले थे, फोरी इधर आ गई। कभी दोस्तों वाइट वाला इसके ऊपर जो है बैठ के सो जाता है, और कभी ये ब्राउन वाला जो है ना वाइट के ऊपर बैठ के सो जाता है। टेल देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ही छोटी सी है, उम्मीद है कि इसके जो है ना बाल काफ़ी आएंगे दोस्तों, शेरू जैसा लग रहा है ये बन जाए, शेरू एक किस्म का हमारा फिर जो है ना वापस आ जाएगा। ऐसे करते हैं इन्हें अंदर ही छोड़ते हैं। चल भाई ये बड़ा तेज़ है, बहुत तेज़ है, शोर भी बहुत ज़्यादा करता है ये, थोड़ी सी भूख लग जाए फौरी शोर डाल देता है। चलो अंदर, अब ऐसे करते हैं कि हमारे खुमरे समाप्त हैं, लगता दाना ख़त्म हो गया, सारे खुमरे जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बाजरा इन्हें रख देते हैं, बाजरा तो पड़ा है। ये देखें माशाल्लाह से इन्होंने तो सरप्राइज दे दिया, आज अंडा भी उतारा हुआ है एक, ये देखें छोटा सा अंडा जो है नज़र आ रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही है, तीन चार यहाँ पे बैठे थे। ब्राउन वाला भी देखें अब करीब आ रहा है, ये देखना पड़ेगा अंडा किसका, और बाजरे के ऊपर ही अंडा उतार दिया इन्होंने, मैं तो हैरान हूँ कि बाजरे के ऊपर ही अंडा इन्होंने दे दिया। परसों मैंने उस्मान को कहा था कि इसकी कुंडियाँ जो है ना वो रख दो दोनों, क्योंकि एक जोड़ा जो है ना कल ब्राउन क्रॉस हो रहा था वाइट के साथ। चलो भाई भी शर्ट ना दिखाओ तो सही, जरा अंडा दो, ये देखिए माशाल्लाह से एक अंडा उतारा, और मुझे लगता है ये अंडा ताज़ा ही है, फाइल निकाल के देखते हैं, ताज़ा ही है दोस्तों ये अंडा। अंडे को दोस्तों एक बार मैंने वापस रख दिया, इनकी कुंडी निकाल के और वो रखते हैं कुंडिया दोस्तों, मैंने इनकी दोनों निकाल ली है, दूध जो इनका हमने ला के रखा हुआ ना वो तो पड़ा नहीं। ऐसे करते हैं झाड़ू के जो ना थोड़े थोड़े कोने काट लेते हैं और इन दोनों कुंडियों में रखते हैं, अंडा भी उठा के इसके ऊपर रख देंगे। झाड़ू के ना मैंने थोड़े थोड़े किनारे काट के इस एक कुंडी के अंदर रख लिया, वो वाली कुंडी जो ना पोस ला के सुबह इनको रखेंगे। ऐसे करेंगे दो तीन कुंडियाँ हम ना लेंगे, चल शरीर चल उधर जाएंगे, दो तीन कुंडियाँ होंगी ना इसके अंदर हम रख देंगे। मुझे लगता है इस वाइट वाले जोड़े का ही है ये, अंडे को यहाँ पे रखते हैं और ये बाजरे वाला उठा लेते हैं, इसको इसके ऊपर बैठाते हैं, अंडे के ऊपर चली जाके बैठ जाएगी तो इसे पता चल जाएगा कि मेरा अंडा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। क्या मैडम, इसको ऐसे ही उठा के आगे कर देते हैं जहाँ पे ये अंडा पड़ा था ऐसे, और अब उम्मीद है कि ये यहीं पर बैठा रहेगा अंडों के ऊपर। कल जो ना दो तीन कुंडियाँ यहाँ पे हम और सेट करेंगे ताकि ये ब्रीड करें, क्योंकि पक्के जोड़े ही हो गए हैं, किस्म के ब्रीड इनके शुरू हो गई है, पहले एक बच्चा निकला था, अब इंशाल्लाह और बच्चे जो है ना निकलेंगे इनके।
मैक्स और पीटी को भी बाहर बांध दिया, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, खाना इनको देते हैं और इनका कूलर चलाते हैं। ऐसे करते हैं, इनका पानी वगैरह भी हमने रखना है, घर से ठंडा पानी लेकर आते हैं और चावल वगैरह जो है इन्हें डालते हैं। तो अपने ब्लॉग का दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।